नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। और दोस्तों, आज मैं फिर से अपने गार्डन में हूं और आज मैं एक फूल के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। ये गुलाब का फूल है, इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। और ये गेंदे का फूल है और ये मुर्गा फूल। आज मैं बताने वाला हूँ गुलदाउदी के बारे में। दोस्तों, ये गुलदाउदी के मेरे पास 3 कलर हैं, और ये वाइट कलर है, ये पीला और ये गुलाबी कलर बोल सकते हैं इसको। तो ये 3 कलर गुलदाउदी, बहुत सारे प्रकार के गुलदाउदी आते हैं, कई 100 प्रकार के गुलदाउदी के फूलों के कलर आते हैं, अलग अलग पौधे आते हैं। तो मेरे पास ये 3 कलर हैं और आज मैं इन्हीं के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये बोतलें, जो पानी की बोतलें हैं, इन्हीं में ये सारे पौधे उगाए हैं। और मैं इनको कहीं नर्सरी से नहीं लाया हूँ, मैं इसका जो मदर प्लांट था उसको लगाया था पिछले साल, और उन्हीं से मैंने ये सारे पौधे उगाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे पौधे और फूल आजकल ये खिल रहे हैं। और ये मेरे पास जो ये पौधे हैं, ये वाला फूल, ये वाला मेरा 2 साल पुराना है, और ये वाला तो मेरे पास 5-6 साल हो गए इस पौधे को। इन्हीं मदर प्लांट से मैं और पौधे उगाता हूँ और उसी से नए पौधे बनाता हूँ। तो इसको आप चाहते हैं कि आप अगले साल तक, क्योंकि अब ये 1-1.5 महीने के करीब और चलेंगे ये फूल, और उसके बाद ये पौधा ख़त्म हो जाएगा। और इससे नया पौधा कैसे उगाना है आपने, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फूल अब पूरे खिल चुके हैं, ये वाला पौधा और ये वाला पौधा तो अभी चलेगा, इसमें अभी कलियाँ भी आ रही हैं, आप देख सकते हैं इसमें अभी बहुत सारी कलियाँ आ रही हैं। और ये वाला, इसमें भी एक पौधे पे तो अभी बहुत सारी कलियाँ, तो ये थोड़ा ज़्यादा चलेंगे, ये दोनों अभी चलेंगे 2 महीने के आसपास, और ये 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है कि जब ये पौधा सूख जाएगा तो आपने इसकी यहाँ से कटिंग कर देनी है, नीचे से आपने इसको काट देना है, और जो इसकी जड़ें हैं वहीं से नए पौधे आने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे पौधे आएंगे अगर आप इसको हटा देंगे, और उन्हीं पौधों से आपने नए पौधे उगाने हैं। जब वो इसके नीचे के साइड में आप जाएंगे तो ऐसे पौधे बहुत सारे आएंगे, तो इनकी अलग अलग जड़ें होती हैं नीचे से, तो उनको निकाल के आप नए गमले में शिफ्ट कर दें। तो जैसे मैंने ये 2 गमले बनाए थे वाइट फूल के लिए, और ये गुलाबी कलर आप देख सकते हैं, इसके लिए भी 2 प्लांट थे मेरे पास, और जो ये पीला कलर है इसके लिए भी मैंने 2 गमले बनाए थे। तो 2-2 रखे थे मैंने सारे में, तो आप चाहें तो बहुत सारे रख सकते हो एक ही जो गमले में है, कम से कम 30-40 पौधे आ जाते हैं, और उनको आप इतनी जगह लगा सकते हो। तो यहाँ से आपने वो पौधे निकालने हैं और आपका नया पौधे तैयार हो जाएंगे, और अगली बार ठीक इसी सीजन में वो पौधे आपको फूल देने लग जाएंगे। तो आपको अभी 3-4 महीने में ये नए पौधे आने शुरू हो जाएंगे, और उन्हीं पौधों से आपने नए पौधे उगाने हैं। और गर्मियों में इसको ज़रा बचा के रखना है, ग्रीन नेट के नीचे रखना है, बहुत ज़्यादा गर्मी में रखेंगे क्योंकि नए पौधे होंगे तो वो सूखने का डर रहता है। और इसमें जो कीटनाशक का छिड़काव भी करते रहना है, चाहे नीम की पत्तियों का हो या आजकल नर्सरी में काफ़ी दवाइयाँ आ रही हैं, उसका भी पौधे में छिड़काव करते रहें। अभी देखिए मेरे एक भी पौधे पर कोई भी कीड़े नहीं लगे हुए हैं, सब पौधे मेरे बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। तो इनमें मैं छिड़काव करता रहता हूँ दवाई का, तो दवाई आप नर्सरी से भी ला सकते हैं, या नीम की पत्तियाँ हैं उसको डाल सकते हैं, या हैंड वॉश आता है उसका भी आप थोड़ा सा केमिकल बना के और उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। एक भी पौधे पर कोई कीड़े नहीं लगे आप देख सकते हैं, और मेरी पूरी छत में जो है आजकल फूल बहुत सारे खिले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप ज़रूर अगर आपके पास गुलदाउदी है तो आपने उसके बाद नर्सरी कभी नहीं जाना है, आपने पुराने पौधों से ही नए पौधे उगाने हैं, और अगली बार उन्हीं पौधों पे बहुत सारे फूल आ जाएंगे। तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो, अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।